आज पाटिल साहब हो या फिर अशोक गहलोत जी जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस के भिन्न भिन्न प्रवक्ता भिन्न भिन्न चैनलों पर जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम दे रहे हैं और जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, जो जजमेंट आज आया है कोर्ट में, उस संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि आज कांग्रेस के चेहरे पर से मुखौटा उतर गया है। द कांग्रेस पार्टी हैज बीन एक्सपोज्ड एज नेवर बिफोर। आज हिंदुस्तान की जनता को और जो लोग हिंदुस्तान की राजनीति को क्लोजली फॉलो करते हैं, उनको 2013 का कांग्रेस पार्टी का उस जयपुर अधिवेशन याद आ रहा है, जिस जयपुर अधिवेशन में मंच पे स्वयं तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी मौजूद थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी मौजूद थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मौजूद थे और तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे जी मौजूद थे। भाषण में श्री सुशील कुमार सिंधे जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया था वो काफी शर्मनाक था। उन्होंने हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर नामक शब्द का प्रयोग किया था। एक ही झटके में हजारों करोड़ों वर्ष से चली आ रही इस संस्कृति को, भगवा रंग को, हिंदुओं को जिस प्रकार से मंच पे खड़े होकर गाली देने का काम किया था, हम सब ने उसे सुना था, हम सब ने उसे देखा था। आक्षेप उन्होंने भाजपा और संघ के ऊपर भी लगाया। उस मंच पे बैठे तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस मंच पर बैठे सोनिया जी और राहुल जी चुप थे। उन्होंने सुशील कुमार सिंधे जी को रोका नहीं था और बाद में सुशील कुमार सिंधे जी को जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हां, मैंने अखबारों में पढ़ा है। 2010 में पी चिदंबरम ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था, हिंदू आतंकवाद। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जिस प्रकार से अनेकों वर्षों से हिंदुओं के ऊपर आक्षेप करने का कोशिश और इस तुष्टीकरण की राजनीति में किस प्रकार से चंद वोट बटोरने के लिए देश को बदनाम करने की साजिश कर रही थी, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। कोर्ट का क्या जजमेंट आता है उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करती है। भारत के कोर्ट और भारत की जुडिशियल प्रणाली पूरे विश्व में उच्च कोटि की जुडिशियल प्रणाली है। हम न्याय प्रणाली पर कभी भी कमेंट नहीं करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। मगर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग, हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, चंद दिनों पहले जब 2G केस का जजमेंट आया था उस समय तो आप कह रहे थे कोर्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और आज जब कोई जजमेंट आया है तो कोर्ट गलत है, ठीक तरह से पैरवी नहीं हुई। ये दोहरे मापदंड कैसे हो सकते, मापदंड तो एक ही होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि राहुल जी, क्या आज 12 बजे एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट विल द कांग्रेस प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल गांधी कम आउट विथ अ लाइटेड लैंप, कैंडल लेके क्या आज राहुल गांधी 12 बजे क्षमा याचना करने के लिए इंडिया गेट में आएंगे या वो नहीं आएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से धर्म को बदनाम करने की कोशिश राहुल जी आपने की है, और चाहे पी चिदंबरम हो, चाहे सुशील कुमार सिंधे जी हो, इन्होंने कहीं से अगर शिक्षा ली है हिंदू धर्म को बदनाम करने की तो वो आपसे और आदरणीय सोनिया गांधी जी से ही ली है। क्या ये सत्य नहीं है राहुल जी कि आपने खुद US एम्बेसडर से मिलते हुए कहा था कि हमें सिमी से ज्यादा डर नहीं है, खतरा तो हमें हिंदुओं से है। सिमी आतंकवादी गतिविधि में नहीं लिप्त होती है, हिंदू जो है वो आतंकवादी गतिविधि करती है। क्या आपने ये नहीं कहा था? क्या पी चिदंबरम और सुशील कुमार सिंधे इसी से शिक्षा नहीं प्राप्त करते? क्या आपके बिना कहे उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहने का काम किया? क्या यह हकीकत नहीं कि जो सलमान खुर्शीद साहब जो आपके मंत्री थे और जब चुनाव लड़ रहे थे उत्तर प्रदेश में, चुनाव कैंपेनिंग करने गए थे, खुद उनकी धर्मपत्नी लड़ रही थी, तो उन्होंने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में वो तो आतंकवादियों को आतंकवादी तक कहने के लिए तैयार नहीं थे, उनको शहीद बता रहे थे, उनको मासूम बता रहे थे।
कि बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के शरीर को देखकर, उनके मृत शरीर को देखकर सोनिया जी 3 दिन तक सो नहीं पाई थी और बहुत रोई थी। सोनिया जी रो रो के उनकी आंखें सूज गई थी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जासूसी नहीं करती कौन कितना रो रहा है, मगर खुद सलमान खुर्शीद जी, जो 10 जनपद के बड़े नजदीक है, जो गांधी परिवार के बड़े नजदीक है, उन्होंने कहा था कि सोनिया जी बहुत व्यस्त थी कि आतंकवादी मारे गए। एक पुलिस अधिकारी जो शहीद हो गए, उनके लिए सल्यूट करने का वक्त नहीं था कांग्रेस पार्टी को, मगर चिंता किसी की थी तो आतंकवादियों की थी। दिग्विजय जी, आज आप पवित्र नर्मदा की यात्रा में निकले हुए, क्या ये वही दिग्विजय सिंह नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के उस समय जनरल सेक्रेटरी थे और कह रहे थे कि ओसामा जी के साथ ठीक नहीं किया अमेरिका ने, चंद वोटों के लिए ओसामा जी और चंद वोटों के लिए हिंदुओं को आतंकवादी बताने का काम करना। अभी हम टीवी पे देख रहे थे किस प्रकार जो उस समय के अधिकारी थे आरवीएस मणि, वो खुद आके टीवी पे बोल रहे हैं कि कांग्रेस के समय पर, उस समय गृहमंत्री तक संलिप्त थे, किस प्रकार फाइलों को बदलना है, जो सच्चाई है उसे छुपाना है, मिथ्या और झूठ को आगे बढ़ाना है, टू हाइड द ट्रुथ, टू चेंज द ट्रुथ, टू चेंज वॉट एवर वॉज ऑलरेडी सबमिटेड इन द कोर्ट थ्रू एफिडेविट। दिस इज वॉट मिस्टर चिदम्बरम एंड द अदर्स इन द कांग्रेस डिस्पेंसेशन वर डूइंग जस्ट इन ऑर्डर टू प्रूव दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोट एंड कोट सैफरन टेरर। आज कांग्रेस पार्टी में अगर तिल मात्र का भी आत्मीयता है इस देश के लिए, अगर इस देश को तिल मात्र के लिए भी वो अपना मानती है, तो आज कोई और नहीं, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और वर्तमान अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, इन दोनों को बाहर आके क्षमा याचना करना चाहिए। करोड़ों देशवासी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, करोड़ों देशवासी ये मांग करते हैं कि आपने अपने छोटे से राजनीतिक कारण के कारण आपने इतने विराट धर्म को जो अपमान करने का कोशिश किया है, हिंदुस्तान इसके लिए आपसे क्षमा मांगती है। कर्नाटक के चुनाव से पहले जिस प्रकार के आज कोर्ट में वर्डिक्ट आए हैं, बार बार हम कहते हैं कि कोर्ट के वर्डिक्ट पे भारतीय जनता पार्टी टिप्पणी नहीं करती है, क्या यह हकीकत नहीं है कि इस कोर्ट के केस का आरंभ तो आपके समय में हुआ, जो ब्लास्ट हुआ वो 2007 में हुआ जहां तक मैं जानता हूं, 8 वर्षों तक का समय यूपीए के कार्यकाल में रहा, 8 वर्षों तक आप अगर हकीकत जानते थे, इफ यू न्यू द ट्रुथ फॉर ऑल द 8 ईयर्स ड्यूरिंग योर टेन्योर, व्हाई वे यू स्लीपिंग, आपने वो एविडेंसेस डिपोज क्यों नहीं किया, आपने उन आधिकारिक एविडेंसेस को सामने क्यों नहीं रखा, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से आपने ये षड्यंत्र रचा है, कर्नाटक के चुनाव से पहले हिंदुस्तान की जनता देख रही है, कर्नाटक में जवाब देगी। सिद्धरमैया जी से भी हम सवाल पूछना चाहते हैं। सिद्धरमैया साहब, राहुल गांधी जी के कहने पर, वही सिद्धरमैया जो अपने आप को चंद दिनों पहले तक एथिस्ट अर्थात नास्तिक कहते थे और अचानक अब कहते हैं मेरे नाम में भी राम है, मेरे नाम में भी राम है, सिद्धरमैया साहब क्या यह हकीकत नहीं है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके विरुद्ध खुद एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ आपने साठगांठ बनाया, उस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग जो जेल में थे उनको छोड़ने का काम सिद्धरमैया सरकार ने विगत वर्ष किया, क्या यह हकीकत नहीं है कि जिस प्रकार से 2013 में, मैं वो आर्टिकल लेके आया हूं, 2013 में सुशील कुमार सिंधे जी ने चुनाव से पहले तुष्टिकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करते हुए, एट द हाइट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, मिस्टर सुशील कुमार सिंधे इनफैक्ट सेंड अ लेटर टू ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री, डोंट डिटेन इनोसेंट मुस्लिम यूथ। कोई भी इनोसेंट हो सकता था, यहां मुस्लिम लिखना क्या आवश्यकता, आप केवल यह कह सकते थे डोंट डिटेन एनी इनोसेंट यूथ और एनी इनोसेंट पर्सन फॉर दैट मैटर ऑफ पर्पस, जो निर्दोष है आप उसको डिटेन मत करिए, आप बाकियों को तो डिटेन करिए,
मगर उसका धर्म देखकर डिटेन करिए और धर्म देखकर छोड़ दीजिए। इस प्रकार की राजनीति जो सुशील कुमार शिंदे जी ने उस समय सोनिया गांधी जी के कहने पर किया था, उसी तर्ज पर चलते हुए सिद्धरमैया जी ने भी एक नोटिस जारी की थी कि डोंट डिटेन मुस्लिम यूथ, वो तो कोर्ट की फटकार और भारत की जनता के ललकार के कारण सिद्धरमैया जी को वह नोटिस वापस लेना पड़ा। मगर इस प्रकार की जो अपीजमेंट की राजनीति है राहुल जी, यह अपीजमेंट की राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जब 2014 में इसी अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण द कांग्रेस पार्टी वॉज डिरेल्ड, द कांग्रेस पार्टी गॉट ओनली 44 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस, तब राहुल गांधी तुरंत दौड़ के जाके एक टेम्पररी जनेऊ लेकर आए और शर्ट पैंट के ऊपर ही इस टेम्पररी जनेऊ को धारण किया है। क्यों धारण किया है कपड़े के ऊपर टेम्पररी जनेऊ को? ताकि जब मौका मिले एट द फर्स्ट इंस्टेंस उसे तुरंत उतारा जा सके। राहुल जी, देश की जनता बुद्धिमान है, यह भारत की जनता है। भगवा का अर्थ होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भार्भवे। सबके दुखों को हर लेना, सबके सुख की कामना करना, सभी के लिए जीवन वसन करना, वसुधैव कुटुंबकम, यह भारत के मिट्टी का चरित्र है। इसको हिंदू मुसलमान हरा भगवा इस प्रकार से बांटने की कोशिश जो सदियों से, मैं कहूंगा आक्रांता पहले करते थे, अंग्रेजों ने बाद में किया और उसके बाद उन्हीं से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सीखते हुए आपके परिवार के लोगों ने, गांधी परिवार के लोगों ने, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, सिखों का मान मर्दन किया गया, सिखों को सड़कों में टायर डाल डाल के 3000 हमारे सिख बंधुओं को मार दिया, और आज हिंदुओं के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं। इशरत जहान को, जो एलईटी से संबंध रखती थी और जिसका नाम एलईटी के वेबसाइट पे भी आया, उसको आप शहीद बताते थे, फाइलों में एफिडेविट चेंज कराते थे और भगवा आतंकवाद बताते। राहुल गांधी जी, तिरंगे में भी भगवा का रंग है और तिरंगा का यह भगवा रंग आपको जवाब देगा। जहां जहां चुनाव होगा, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है, जवाब भी ईवीएम के बटन से मिलता है, लोकतांत्रिक तरीके से मिलता है। राहुल जी, जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां तिरंगे का भगवा आपको जवाब देगा और कांग्रेस को उखाड़ के बाहर निकाल देगा, क्योंकि आपने इस देश के सभ्यता संस्कृति और हिंदुओं के साथ मजाक किया है। धन्यवाद। See, I was saying this, that you cannot have double standards. You cannot speak in two voices. When only a few days ago the 2G verdict came, you were quite supportive about it. You were saying that the court was fantastically working and the judicial process upheld the truth. And today, when we have another judgment, which in fact is cornering the Congress party and the leaders of the Congress party, they are singing a different tune. Why this double speak and why this hypocrisy is the question. And second part is, you had the case at your disposal in the sense that you had a government since 2004 to 2014. And if I am correct, this whole case had started from 2007 onwards. For 8 years, what were you doing is the question. The Congress party should come out and answer rather than questioning the Bharatiya Janata Party. Sir, one small question is about the different issues coming now. The senior leader of the Congress party is saying that BJP is Balatkari Janata Party. How do you think that this rhetoric is going to, you know, play out on the national? See, I firmly believe that when you are in a public, you are a public figure, usage of words are of prime importance. And from such a senior person like Mr. Kamal Nath, we don't expect such kind of words. Today, Mr. Kamal Nath, rather than politicizing other issues, he should directly call Mr. Rahul Gandhi and he should ask forgiveness from Mr. Rahul Gandhi and Mrs. Sonia Gandhi ji for the kind of tagline that they had used for political benefits, the tagline of Saffron Terror.
कमलनाथ जी ने जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है, मुझे लगता है राजनीतिक जीवन में भाषा का मर्यादा और शब्दों का चयन शालीनता से होनी चाहिए। बड़े नेता कमलनाथ जी हैं, उनसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी। और आज कमलनाथ जी को राहुल गांधी जी को फोन लगाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए, एडवाइस देना चाहिए, वो राहुल जी के सीनियर भी हैं, कि आज का मौका है राहुल गांधी जी बाहर आके क्षमा याचना करें, क्योंकि हिंदुओं को आतंकवादी दिखाने का जो कार्य कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी और राहुल जी ने इतने वर्षों तक किया है, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। See, as far as Mr. Owaisi is concerned and the people who are echoing the same sentiment is concerned, I am reminded of the fact that these were the same people who had questioning the hanging of Yaqub Memon as well, who had questioned the Supreme Court judgment also. I firmly believe that when you are in political life and are such an important position, you should never question the judiciary. Judiciary is always impartial. Judiciary of India is one of the best judiciaries of the world. Our own leaders coming out and demeaning the judiciary for their petty political gains is something which should not be done in public life. Thank you, friends. Sir, Mehul Chokshi, lawyer, has been given to you by the Congress in Karnataka. Today the issue is extremely grave. Well, yes, your issue is also grave, but we'll have a separate briefing for that. Thank you.